Assalamualaikum, तो कैसे हैं आप सब? Hopefully आप सब खैर आफियत से होंगे. Time to leave Pakistan. बड़ा अच्छा फील हो रहा है, कसम से बड़ा अच्छा फील हो रहा है. बैग लेके चलते हैं नीचे, थोड़ी सी चीज़ें वगैरह फैट वगैरह करनी थी मैंने उसके अंदर से. आज का व्लॉग करते हैं शुरू. मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. भाई साहब बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत. अब इसको करते हैं जिसके अंदर फिट. मुझे बस ये डर है वहाँ पे जाके ना वेट ना ऊपर हो जाए. बाकी क्या ये है कि जैकेट तो मैंने हाथ में पकड़नी है. ये आ गया मेरा 8 kg वाला, इसको इसका तो कोई मसला नहीं है. इसको इसके अंदर रख दिए. अब चल के ऊपर सबको मिल मुल के फिर चलते हैं. चलो जी मिल भी लिया है जी सबसे, मम्मा से भी मिल लिया है. अब चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ. दबा बाबू जी अगे आ जाओ, अगे आ जाना सीधा. चल बाबा बैठ चुके हैं जी पीछे. कहते जी मैं पीछे बैठूं, पीछे बैठने की खास रीज़न? कोई रीज़न नहीं कि वैसे एंजॉय कर रहे. तो अगर जी पीछे बैठना है इंजॉय करना है मैं चले. कोई ऐसी बात मामू आगे बैठ जाए. आ जाए मामू. पहुंच चुके हैं जी एयरपोर्ट. अब जल के इसको लगाते हैं पार्किंग पे लगा के, तो फिर चलेंगे ऊपर. स्नैप बनाते स्नैप पर टाइम होगा. पहुँच चुके हैं जी, गाड़ी पार्किंग पे लगा चुके हैं. अब दिशान साहब को मैंने कहा भाई साहब ट्राली पर सामान रखो, क्योंकि जो सहूलत पहले मैं फराहम किया करता था लोगों को, अब मैं कि मैं वो सहूलत अब दिशान से लूँ कि मेरा सामान लेके जाए. जी तो जाने का वक्त हो जाता है तो मिल लेते हैं मामू. ओके जी बाबा से ओके जी ओके जी अल्लाह. अब लगते हैं जी लाइन में. हाँ कोई नहीं, मैं क्लियर हो गया हो के ना मैं मैसेज कर दूँगा. ईच एंड एवरी थिंग डन हो गई है, जस्ट अब ये है कि फ़्लाइट लेट हो गई है माशाल्लाह. काम चेक करें 2:25 की फ़्लाइट थी और अब वहाँ पे शो कर रहे हैं कि जी 3:50 पे आपकी आएगी फ़्लाइट. एक तो मेरी है भी फ़्लाइट कनेक्टिंग है, ऊपर से इन्होंने लेट कर दी है. बाकी ये है कि बोर्डिंग पास वगैरह तो लेके बैठा हूँ. बाबा वगैरह को मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आप चले जाएँ घर, जाके रश वगैरह करी बैठे रहेंगे काफ़ी देर. अब करते हैं जी वेट, आप भी मेरे साथ वेट कीजिएगा. नहीं आपके लिए तो खैर वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा कि मैं जा रहा हूँ. फिलहाल मेरे लिए अब ये 2-3 घंटे जो काटने हैं ना दाज से बाहर होंगे. देखो अब कैसे स्पेंड करते हैं ये हम. हाँ वो व्लॉग जो है लास्ट व्लॉग वो उसको मैं बैठ के एडिट करता हूँ. एक तो यार इतने कोई स्यापे हैं, पहले था 21 नंबर. क्या हुआ? पहले था जी हमारा 21 नंबर गेट, ठीक है जी. वहाँ पे इतनी देर से ऊपर से एक तो फ्लाइट भी डिले हो गई. पहले थी 2:25 की, अब हो गई है जी 3:50 की है ना. हाँ 3:50 माशाल्लाह से इतनी देर वेट करके 20 नंबर गेट पे. उन्होंने अब गेट भी 25 कर दिया हुआ है. अभी इनका चेक इन नहीं शुरू हुआ, लेकिन व्लॉग बना रहा हूँ. हाँ ये हैं जी हसीब भाई, वो जो मेरा दोस्त था जिसने मेरे साथ अप्लाई किया था हसीब, उसका तो हुआ ही नहीं. पर ये वाले हसीब भाई मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे. ये भी मेरे साथ ही जाएंगे आयरलैंड. आप सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ जी आयरलैंड. बाकी डिटेल आपको आयरलैंड में पहुँच के बताऊँगा कि मैं कैसे आया ये वो सारा कुछ. वो मैंने बताया ही नहीं है लोगों में मैं कहाँ जा रहा हूँ. और सामने जी जहाज़ लगा हुआ जी इतिहाद वालों का, और इधर वाली साइड पर कतर वालों का लगा, लेकिन हमारा टर्किश वाला अभी तक मज़ा नहीं आ रहा. फाइनली जी आवाज़ आ गई है, कह रहे हैं जी 24 से लेकर 40 तक के जो पैसेंजर्स हैं वो आ जाए, तो उसमें मैं तो इंक्लूडेड हूँ. सिर्फ मैं हसीब भाई का वेट कर रहा हूँ. वो गए हैं जी वाशरूम, कहता भाई था मेरा वेट कर लेना. मैं वाशरूम से हो जाना ना, मैं कहे कोई नहीं मैं हो आपका वेट कर लूँ. तो सब चारा वो भी पहली दफ़ा जा रहा है. अब जा रहे हैं जी जहाज़ के अंदर. बड़ा खबर यार, जो मेरे पास शिपर है जो हैंड कैरी था वो भी इन्होंने ले लिया. वो कहते आपको वहीं पर जा के मिल जाएगा. मैं कहता हूँ रखो अपने पास नहीं था, मुझे नहीं चाहिए. कहते आपको वहीं पर मिल जाएगा डुबलिन के अंदर. मैं कहा ठीक है ओके होगा. अब चल के जहाज़ के अंदर बैठते हैं. ये है जी मेरा बोर्डिंग पास 36F. फाइनली जी जहाज के अंदर हो चुके हैं जी इंटर.
अब क्या उसे कहते हैं सीट है जी मेरी 36F। कहाँ से मैं इंटर हो जहाज के अंदर, कहाँ पर जाकर मुझे सीट मिली। खैर कोई ऐसी बात नहीं, और इतनी पिद्दी पिद्दी सी सीटें हैं इसकी यार। एहसान भाई आपके काम है ये सारे टर्किश एयरलाइन करवाने वाले। बाकी डिले तो माशाल्लाह ये पहले ही हो गई थी, कहाँ इसने 225 पर उड़ना था और अभी क्या टाइम हो गया है, अभी 350 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं, अभी 346 हुए हैं। तो ये है जी मनाजरा खर्च। मैंने अपना बैग उस जगह पे रखा हुआ है, मैंने कहा कुछ जरूरत शुरू पड़ी कुछ चार्टर वगैरह चाहिए होगा तो फिर वहाँ से उठा लें। तकरीबन 9 uçuşumuz 6 saat 35 dakika sürecek. Şu an sınavın sağında herhalde 45 dakika çizimde uçuşumuz var. Sen benim anlaş Türk Aralar ve Değerli Kırmada size keyifli 3 tane. Good morning. Teşekkür ederim. Speaking. Welcome aboard. My name is Lichan Ertuğrul. Aksamayla gidiyor. Abi İngiliz bu. Ben Hatipoğlu. We are in command of today's flight. Our flight is... फाइनली जी अब रनवे की तरफ जा रहा है जहाज, और रनवे पे जाके फिर एकदम से जब उड़ना है ना इसने, उसका मज़ा ही अपना है। वैसे दूर से ही देख रहा हूँ मैं बाहर विंडो की तरफ, बाकी मैं ट्राई करता हूँ सागर भाई को तो कहता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा क्लिप मेरे लिए शूट कर देंगे, अगर वो शूट कर देंगे तो फिर तो ऐड हो जाएगा, वरना कोई नहीं। खैर लाइट शर्टी हो गई हैं जी बंद, अब करने लगा है जी टेक ओवर। थोड़ी सी मैंने वीडियो बनवा लिया साथ वाले भाई से, मैंने कहा यार थोड़ी सी बना दे, तो उन्होंने बना दी, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अभी शक्ल नज़र आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन ये है कि टेक ऑफ होने तो लग रहा है। इस बात में इसको कहा था कि जी जहाज टेक ऑफ करना है, बात में बिलिंग करने लग गए। इस टाइम भाई साहब कोई इंतहा किस्म की नींद आ रही, इंतहा किस्म की। मैं पहले तो कोशिश कर रहा था कि सीज़न देखूं, पर भाई साहब नहीं देखो, इतनी नींद आ रही है ना, ऊपर से मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि चलो तो कुछ खाने को देंगे तो कुछ खा के तो फिर ही सोऊं। ये है जी वो चीज़ जिसको बोल के इसका रिव्यू करते हैं कि इसके अंदर से क्या निकल रहा। ये तो है जी ये मास्क सोख सी रही है, तो यार हद हो गई। ये रहे जी ईयरबड्स और ये लगा लें, सॉक्सेस को डालो इसके अंदर, वापस सॉक्सेस काम आएगी, और इसको लगाते हैं और ये भी कानों में लगाते हैं। खाना तो भाई साहब आया था, लेकिन मैं तो इतनी गहरी नींद में था, खाना खा तो लिया है मतलब ठीक ही था। मतलब इस टाइम के बाहर के जो मनाजरा था ना, वो इतने कोई सेक्सी है ना, स्नैक्सी किस्म के हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, सनराइज़ हो रहा है, इतना खूबसूरत किस्म है माशाल्लाह। चेक किया कैसे सुनो शुरू।
electronic devices. हो चुके हैं जी लैंड। इतनी देर का वैसे जहाज लैंड हुआ था, लेकिन उन्होंने अब जाके गेट ओपन किया है, अब बाहर निकले। हो कड़कती हुई धूप, चेक करें जी, ये है जी इस्तांबुल एयरपोर्ट। रास्ते में बड़े मज़े के सीन आए थे, लेकिन मतलब ये था कि मेरे पास विंडो सीट ही नहीं थी। मैंने क्या रिकॉर्ड कर लेता हूँ, साथ वाले पर जो भाई बैठे हुए थे उनकी मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप मेरी छोटे छोटे से क्लिप्स बना दे, दोनों ने बना दी। मिल चुके हैं जी हसीब भाई। हसीब भाई थोड़ा सा इधर आएँ आप, इधर आपकी रोशनी नहीं आ रही। हाँ इधर देखें, इधर चेहरा तो करें अपना। हसीब भाई कैसा रहा सफ़र आपका? बहुत डराना। दरअसल इनकी थी फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, इसलिए इनको थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हुए थे। बहुत मतलब ये होता है कि इसमें डरने वाली क्या बात, आप कंफ्यूज बहुत होते हो। मैंने आपको नोट किया है, आप छोटी छोटी बात पे ना कंफ्यूज हो जाते हो। ये भी है भाई, एक ये क्या नाम है, विकास अली भाई। वकास, ये वकास भाई, इन्होंने भी जाना है डुबलिन। और ये भी, ये तो जा ही रहे, इनसे तो आपको मैंने पहले मुलाकात करवा दी थी। तो अब जाना है जी F9 वहाँ पे, वो उधर से हम वापस गेट पर करना है। अच्छा F9। अच्छा जी, तो जा रहे हैं जी, बोर्डिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। बोर्डिंग पास जो था हमने स्कैन करवा लिया, तो अब हमारी फ़्लाइट जो है वो ऑलरेडी रेडी हो गई, क्योंकि हमारी तो फ़्लाइट पीछे से ही डिले हो चुकी थी। इस वजह से ना अब ये जो लगा हुआ है ना टर्किश बॉय, इसने हमारी लेने की ही है। कॉमन कॉमन कॉमन, बी क्विक बी क्विक नम। खैर दरअसल हमारी फ़्लाइट पीछे से 2 घंटे लेट आई थी, इसमें क्या कर सकते हैं। अब जा रहे हैं ओ भाई, वो है किद्दा सा बंदा, उसकी स्पीडें चेक कर। हमारे पास बैग है, हमारी वैसे मस्त बजी हुई है। खैर कोई ऐसी बात नहीं, चलते हैं एयरपोर्ट में, ओ सॉरी चलते हैं सॉरी एरोप्लेन में। हो चुकी है जी हमारी बोर्डिंग, पास मैंने इनको दे दिया है। अब जा रहा हूँ जी मैं एरोप्लेन में। जो मेरे साथ वाले थे सारे अभी पीछे पीछे ही हैं, वो दरअसल वो आगे चले गए। मैं उनको कही जा रहा हूँ कि यार ये A6 वाला टर्मिनल ये है, तो वो आगे चले गया। खैर कोई बात नहीं, वो पीछे आ ही रहे होंगे मेरे। तो अब चलते, सबसे पहले आपके भाई की एंट्री हुई है एयरप्लेन में, तो खैर पता नहीं बैठे होंगे ना बैठे होंगे, लेकिन ये है कि होप्स ऑफ के विंडो सीट मिले। यार विंडो सीट मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। फिलहाल तो जहाज़ एयरप्लेन की तरफ रवा दवा। ओबे यार रश चेक करो, रश अखीर किस्म का रश है। मैं पता नहीं मैं ही खेल रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे से ज़्यादा आम आई हुई है भाई। आपको ये वीडियो सारी मिलेंगी यूट्यूब पे, आप जाके सर्च कीजिएगा मोहम्मद जवाद फेमस यूट्यूब पर। सो यू विल फाइंड आउट माय ब्लॉग ओवर देयर। ओके नो प्रॉब्लम। तो जी हम बैठ चुके हैं जहाज़ के अंदर, एरोप्लेन के अंदर। बड़ा उस बंदे ने खपाया था हमें फाइनली। अच्छा और इन भाई को मैं ढूंढा था, ये भाई मेरे साथ सफ़र करते आए, इन्होंने मेरी वीडियोस कुछ बनाई हैं जो कि उसमें आपको कह रहा था ना, कुछ इन्होंने बनाई हैं कुछ। एक और पीछे बैठे हुए थे भाई, उनसे बनवाई थी मैंने। खैर अब यहाँ से टेक ऑफ करेगा तकरीबन 10 बजे। क्या टाइम हुआ है? 10:08 हो गए हैं, 8 मिनट डिले है, लेकिन ये है कि अभी थोड़ी देर टेक ऑफ करेगा डुबलिन के, तो वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात होती। नहीं रस्ते में अगर कुछ हुआ दिखाने के लिए तो फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि व्लॉग पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा। तो रस्ते में कुछ होगा करने को तो आपको दिखाऊंगा, सीन वगैरह दिखाएंगे, उसके बाद डुबलिन जाके ये इस व्लॉग को हम एंड कर देंगे। फाइनली जी अब रनवे की तरफ जा रहा है, इतनी देर इंतज़ार करवाने के बाद। तो जैसे ही रनवे पर चढ़ता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो बना। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wants.
wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah. So come here, baby, listen close. Hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my life. But I got so much left to do, except for falling in love with you. So I'ma let you keep me up another time. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. आ चुका है जी हमारा इस फ्लाइट का मील। इसको खाते हुए से बड़ी भूख लगी हुई है कसम से। इसमें मैंने पीछे वाले में आपको दिखाया नहीं था पीछे वाली फ्लाइट में, तो इसमें ये है, एक तो ये बन है ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर ये आ गई है जी, इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट है, बाकी ये चीज़ वगैरह है इसके अंदर, एक टमाटो होता है, और ये है एक सॉस। अब ये मुझे मज़े की नहीं लगी थी, अजीब सी सॉस थी ठीक है। उसके बाद ये आ गया जी पानी, और उसके बाद ये वाली इसकी स्ट्रॉबेरी है, ये इसके साथ खाने के लिए, ये बड़े मज़े की थी, मैंने लास्ट फ्लाइट में भी यही खाई है। और उसके बाद ये आपको मैं दिखाता हूँ खोल के। साथ ले लिया है जी चेरी जूस, लास्ट फ्लाइट में मैंने चेरी भी ट्राई किया था और मैंगो सॉरी एप्पल भी ट्राई किया था, लेकिन एप्पल वाला ठीक था लेकिन चेरी वाला बड़ा मज़ा। ये है क्या चीज़ मुझे इसकी समझ, ये तो चलो ठीक है, ये मशरूम्स हैं जी, इसको ट्राई करते हैं यार, इतनी भूख लगी है ये, पर मुझे नहीं लगता कि ये खाया जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। चुके हैं जी आज लैंड के अंदर सामने है जी हसीब, और आगे जो हम टोटल 6 बंदे हैं जिनमें से एक वह पमड़ वाले हैं, बाकी हम 5 बंदे जो है स्टडी वीजा वाले हैं। तो लैंड पहुंच चुके हैं, आपकी माइग्रेशन इमिग्रेशन क्लियर करके आपसे मुलाकात होती है। फाइनली जी इमिग्रेशन हो गई है जी कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी आर ऑन आइल। यार खुशी की इंतहाई लिया, मैं क्या बोलूँ, मेरी तो इंग्लिश अटक अटक के आ रही है। फाइनली हम प्रॉपर तरीके से आयरलैंड में इंटर हो चुके हैं, हमारी इमिग्रेशन हो चुकी है। ये मेरी थी फ्लाइट टर्किश एयरलाइन, ये वाला जहाज़ था जो हमें इस्तांबुल से यहाँ पे लेके आया। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह बना के तो फिर चलते हैं बाहर। तो खैर ये वाली जर्नी थी मेरी आयरलैंड आने की, और आगे मैं नेक्स्ट लोग आपको बताऊँगा कि मैंने आयरलैंड क्यों चूज़ किया, ये वो सारा कुछ वो मैं नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आपको उसके बारे में डिटेल्स देता रहा। और इतनी कोई कड़कती धूप है। अच्छा जी तो एयरपोर्ट पे तो खैर बाहर आ गया हूँ, मसला ये था कि जो मेरा आपको मैं कह रहा था ना कि एक मेरा ना जो हैंड कैरी था वो भाई साहब आया ही नहीं, उसकी मैं मिसिंग कंप्लेन करवाया हूँ अंदर, वो खैर आ जाएगा घर एड्रेस पर आ जाएगा। अब बाहर खड़ा बस का वेट हो रहा है, जैसी बस आती है तो फिर चलते हैं अपनी सिटी। तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको आगे मैं दिखाऊँगा घर जाकर दिखाऊंगा यार बस हो गया मेरी। तो इस लोग को यहीं पे करते हैं ख़त्म,
होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मस्त लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अल्लाह का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपको एयरपोर्ट चेक करवाता हूँ, बस स्टेशन ये है मेरी जहाँ पर मैंने जाना है। 100x अभी आई नहीं है।